यूएस के दो दुश्मन एक साथ बीजिंग में होने वाले हैं, तो क्या बड़ा फैसला होगा? 16 मई से दो दिन के चीन दौरे पर होंगे पुतिन। एक साल में दूसरी बार चीन का दौरा करने वाले हैं पुतिन। पांचवें कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा होगी पुतिन की है। पुतिन जिनपिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। यूएस में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के कई मायने हैं, तो मुलाकात के मायने क्या हैं वो भी आइए आपको बता दें। यूएस को जवाब देने के विकल्प पर चर्चा की जा सकती है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की मदद भी संभव है, यानी चीन मदद करे रूस की। मिडिल ईस्ट को लेकर भी बात हो सकती है। नेटो आक्रामकता पर भी बातचीत हो सकती है दोनों के बीच। लेकिन चीन और रूस कितने पास हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब ये कि 2023 में व्यापार को लेकर $240 बिलियन का व्यापार दोनों के बीच किया गया है। 12 साल में 40 बार मिल चुके हैं पुतिन और जिनपिंग। तो एक तरफ बीजिंग में बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ नेटो और यूरोपियन यूनियन ने विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने बीजिंग दौरे से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक में महासंग्राम का राज्यादेश जारी कर दिया। अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास वक्त बहुत कम है। रूस को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होगी। नेटो के पास 32 देशों की सेना है, तो पुतिन ने भी 20 देशों की निजी फौज युद्ध के लिए तैयार कर दी है। पुतिन के पांचवें कार्यकाल को यूरोप का काल कहा गया। नई सरकार गठन के साथ ही पुतिन ने रूस के साम्राज्य विस्तार की ओर कदम बढ़ा दिए। दस 11 मई को पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन करके यूरोप को चिंता में डाल दिया। तेरह मई को मॉस्को में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा परिषद के सदस्य, विदेश मंत्री सहित बाकी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। और इसी बैठक में पुतिन ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड नए रक्षा मंत्री को सौंप दिया। रूस की नई सरकार में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड 3 लोगों के पास हैं। पहले हैं खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव, तीसरे हैं रूस के सेना प्रमुख वेलारी गेरासिमोव। पुतिन की इस बैठक की शॉकवेव यूक्रेन की धरती पर फट रहे बम से ज्यादा है, जिससे पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर आ चुका है। पहली बैठक में ही पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े हमले और रूसी सेना को तेजी से आगे बढ़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि इस कार्यकाल में पुतिन की तैयारी यूरोप में साम्राज्य विस्तार की है। इसके लिए पुतिन ने रूसी सेना को नए सिरे से तैयार करने और दुनिया के कई देशों से सैनिक भर्ती करने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन दुनिया भर से सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं।